कैसे जीना ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना। अबे बेंचर बंद कर, ये पाकिस्तानी गाना। ओ भाई क्या प्रॉब्लम है? न्यूज देखता है? आइडिया है बॉर्डर पे क्या चल रहा है? भाई तो इससे बॉलीवुड का क्या लेना देना, तू अपना काम कर ले, अपने घर चले जा। नायक मार गोली साले को, चला गोली नायक। नायक मैं कहता हूँ गोली चला। सर गोली चला नायक। सर आर यू ओके? या Should I get you something to eat? No, I'm waiting on someone. Sure? Yeah. Oh, bhai, handle rakho. Pio bhi bata. Chutiya sala. Tere ko ek marunga, bounce ho jayega din bhar upar niche. Hey, oh babu, tere ko kaaj. Saale do drink piya nahi, bencho tum log deshbhakt ho jate ho. Pee chupchap. Bhai 364 din to sote rehte hain. 15 August ko chhan lagte hain. Agar itna hi tujhe deshbhakti ka shauk hota na, to tu yahan pe nahi, border pe hota. Bhai, apne desh ke kab kaam aayega tu? कल दो निहत्थे पाकिस्तानी हमारे पोस्ट के आसपास घूम रहे थे, मार गिरा सालों को मैंने। एक बार पूछ लियो था सर। पूछा क्या है, वो भी तो हमारे साथ यही करते हैं, और तुम्हारा काम ऑर्डर फॉलो करना है, सोचने का काम हम पर छोड़ दो। सर अबे बुज़दिल हरामी साले, दम है तो सामने से आके वार करना। पीछे से वार करने की आदत रही है तुम पाकिस्तानियों की, दम है तो आना सामने। मैं पाकिस्तानी फट गई क्या तेरी? मादक चोद, अपने आप को बॉर्डर का सनी क्यों समझते हैं क्या? पीछे से वार करने की आदत तुम लोगों की है, यही तो करते आए 70 साल से तुम लोग। अबे चुपचाप अपने फोर्स ऑफ पर चला जा, वरना यही दफना दिया जाएगा तू। अबे कुत्ते के बच्चे, अपनी ही पोस्ट पे बैठा था जब कुछ हरामियों ने आके हमारी पोस्ट पर बम गिरा दिया, तो उल्टा वार करने के लिए हमें यही आना पड़ा। वार करना है तो सामने वाले के गोल पर नहीं, उसके दिमाग पर करो, गोल खुद ब खुद हो जाएगा। वाह बेटा, सनी देओल से सीधा शाहरुख, क्या बात है हरामी, काफी फिल्में देखता है हमारी तू। जानी हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, और वक्त भी हमारा होगा। सौदागर 1991। अच्छा अब ये सुन, अशरफ अली, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगा, रहेगा, रहेगा। कुत्ते, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। जोर के बच्चों, तू। रवीना, करीना, सबकी बंदूकें लेके गटर में फेंक दो। तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। ढक्की चिक्की, ढक्की चिक्की। इसमें तो एक ही गोली थी। बजे कौमी सलाम होगा, जिसमें कौमी तराना बजाया जाएगा। ले खड़ा हूं मैं, चला ले अब गोली। कुछ नहीं बदलेगा, यही है हमारी जिंदगी।
हम फौजी हमेशा की तरह बॉर्डर पे एक दूसरे की गांड मारते रहेंगे और वो सत्ता में बैठे हरामी पटाखे फोड़ेंगे, व्हाट्सएप पे एक दूसरे के फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्त, चाहे टेरर अटैक हो, चाहे सिद्धि झगड़े हो या बॉर्डर पे तनाव हो, आखिर में मरता तो सारा आम आदमी है। साला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है क्योंकि हमारे मुल्कों को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन ये हरामी मीडिया वाले LOC बॉर्डर सरफरोश जैसी मूवी दिखा के आम जनता को चूतिया बनाते रहते। और वैसे भी आवाम भी बड़ी हरामी है, खाते यहाँ की है, गाते हिंदुस्तान की, दुश्मनी तो शान से निभाते हैं। पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे बॉलीवुड की फिल्में ना चलती हो। और हमारे यहाँ आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, नुसरत साहब और पाकिस्तानी कोक स्टूडियो के गाने। दोस्त, एक आम आदमी तो आज भी अपनी तकलीफों से परेशान है, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए आज भी तो उसे सिस्टम से झगड़ना पड़ता है। इस दुश्मनी के लिए वक्त ही कहाँ है हमारे पास यार। इस बात पर लता जी की दो लाइनें याद आ गईं। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। हे हिंदुस्तानी, एक बार अपनी शक्ल तो दिखा। आ जा यार, अब गोली नहीं चलाऊंगा। क्या बात है हिंदुस्तानी, दिखने में तो तू भी इंसान का बच्चा लगता है। वैसे तू भी थोड़ा बहुत इंसान तो लग ही रहा है। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिशी सही। माशाल्लाह दोस्त, माहौल बना दिया, वक्त कैसे निकला पता ही नहीं चला। मैं कहता हूँ गोली चला। माधव चोर बहना हो गया क्या तू? मैं कहता हूँ गोली चला। अगर इसको छोड़ दिया ना तो यह पाकिस्तानी हम दोनों को मार कर निकल जाएगा। नमस्कार, आज देश आजादी के 70 साल का जश्न मना रहा है। थोड़ी देर बाद PM लाल किले की प्राचीर से देश के 125 करोड़ लोगों को संबोधित करेंगे। देशद्रोही, एक दुश्मन को बचाने के लिए तू हिंदुस्तानी ऑफिसर पर बंदूक काट रहा है। नहीं सर, पहली बार एक इंसान को बचाने के लिए उसके दुश्मन को बंदूक दिखा रहा हूं। इसे जाने दीजिए सर, इसे जाने दीजिए। अपने पोस्ट पर वापस जा रहा था, इसे जाने दीजिए। दोस्त चला जा दोस्त। नाम क्या है तेरा दोस्त? नायक। हिंदुस्तान जिंदाबाद दोस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अबे पहले नोटबंदी, ऊपर से खाने पे पाबंदी, और अब ये GST। घंटा अच्छे आए तेरे दिन। अबे भोसड़ी के, तुम जैसे लोग ना कभी खुश नहीं रह सकते। अबे घोचू, अपना ड्रिंक पी और निकल। सर एक बात कहूं? जी। उस दिन आप उस पाकिस्तानी को गोली मार सकते थे और मेरा कोर्ट मार्शल करा सकते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पूछ सकता हूँ क्यों? नायक, कौन अच्छा है और कौन बुरा है इसका फैसला हम आर्मी वालों की एक गोली बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अमन तो दिलों में हम भी चाहते हैं। 70 साल हो गए आजादी लिए हुए, लेकिन आज तक हमने उस नफरत से आजादी नहीं पाई। लेकिन अब लगता है कि शायद बहुत बदलेगा।
Cheers. रंजिशों की बातें की हमने बहुत, अब कुछ मोहब्बत की बातें करें। जमीनी लकीरें कब मिटेंगी पता नहीं, चलो तब तक दिमागी सरहदों को आजाद करें। कैद करें हर नफरत को और खुशियों को आबाद करें। जमीनी लकीरें भी मिटेंगी एक दिन, चलो इस बार दिमागी सरहदों को आजाद करें। आएंगे साथ में ईद मनाने और चाहेंगे कि दिवाली भी साथ मनाएं। कुछ ऐसा करते हैं कि कुर्सी के ये तलबगार सरहदों पर सियासती रोटियां ना पकाएं। करना है तो कुछ अच्छा करते हैं, क्यों बिना मतलब के फसाद करें। जमीनी लकीरें कब मिटेंगी पता नहीं, चलो तब तक दिमागी सरहदों को आजाद करें।